नमस्कार दोस्तों, आरएस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैकनेक डिजाइन बनाना बताएंगे। 14.5 इंच लंबाई ली है, शोल्डर लिया है 5.5 इंच, आर्म होल 6 इंच। अब गले का निशान करना है। गले की चौड़ाई 2.5 इंच लेते हुए इस तरह में निशान कर लेना है। सीधा निशान करेंगे, इस तरह इसको सीधा ही कट कर लेना है। चौकोर गले पर ये डिजाइन है, सीधा कट कर लिया। अब कपड़े पर रखते हुए इसको कट करना है। तो अब देखिए, इस तरह से कपड़े पर रख के कट कर लेंगे। अब दोनों को कट करना है, उसके बाद दोनों पर सिलाई लगाकर तैयार करना है। फिर गले की कटिंग करेंगे। गला पट्टी निकालेंगे, तो वो बुकरम के ऊपर निकालेंगे। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, उसके बाद गले की पट्टी पर डिजाइंस रहेगी तो उसे कट करेंगे। तो इस तरह देखिए जोड़ना है, नीचे की तरफ से इसको कंप्लीट कर लेंगे। साइड से खुला ही रहेगा, गला बनाना रहेगा। तो इस तरह देखिए सिलाई डाल दी पलटकर लाइनिंग वाले कपड़े पर। अब इस तरह साइड से सिलाइयाँ लगाकर दोनों पार्ट इसी तरह से तैयार कर लेना है। तो ये देखिए दोनों पार्ट इस तरह से हमने तैयार कर लिया। अब हमें गले की पट्टी की कटिंग करनी है। तो इस तरह से अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस तरह कट कर लिया। अब गले की कटिंग देखिए इस तरह से करेंगे। ये हमने पट्टी लिया है, 2 इंच इसकी चौड़ाई ली है। फोल्ड करने के बाद दोनों पट्टियाँ साथ में निकल आएँगी। इस तरह हमने फोल्ड किया है। जितनी कपड़े की लंबाई है उससे थोड़ा सा 2 पॉइंट बढ़ा लेना है नीचे की तरफ, बाकी बराबर ही लेना है। और इस तरह की डिजाइनें इस पर निकालते जाना है। एक बराबर से सभी डिजाइनें इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमने निकाल लिया। वहीं से हमें इस साइड भी बना लेना है, उसके बाद दोनों पट्टी कट करके अलग कर लेना है। तो ये निकाल लिया, अब यहाँ से पट्टी को कट कर लेंगे। तो ये हमने बुकरम के ऊपर इस तरह डिजाइनें निकाल ली है। अब इस तरह कपड़ा लेना है, लाइनिंग वाला कपड़ा लिया है। इस पर रखते हुए एक सीधी सिलाई लगाकर इसे तैयार कर लेना है। अब देखिए इस तरह से बनाएंगे। गले वाली साइड से कपड़े के बिल्कुल बराबर से मिलाकर रखेंगे। और जहाँ से जैसे जैसे निशान किया है बिल्कुल वैसे ही सिलाई भी इस पर लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से सिलाइयाँ लगा लेनी है। सिलाई हमने लगा लिया, अब इसको इस तरह से कट करना है। तो ये कट कर लिया, पूरे पर कट लगा देंगे। एक एक कट इस तरह डिजाइन के बीच में लगेगा। कट लगाने के बाद पट्टी को पलटना है। पहले पूरे पर कट लगा लेंगे, सिलाई बचाते हुए इस तरह से हमें लगा लेना है। ये देखिए कट हमने लगा लिया। अब इस तरह से डिजाइनों को यहाँ से अच्छे से कपड़े को निकालते हुए पलटना है पट्टी को। तो ये देखिए इस तरह से पलट लिया। पलटने के बाद हमें ऊपर से एक सिलाई लगानी है। जो कपड़ा अच्छे से नहीं निकला इस तरह पिन की मदद से इसको निकाल लेंगे। उसके बाद इस पर ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। बीच वाला पार्ट इसका अलग से रहेगा, उस पर डिजाइंस उसे अभी कट करना है। तो ये दोनों पार्ट तैयार कर लेंगे, फिर बीच वाला पार्ट जो रहेगा इसका उसको कट करना है। तो
तो ये हमने देखिए इस तरह से पूरे पर सिलाई इस तरह से लगा ली है। इसी तरह हमें दूसरा पार्ट रेडी कर लेना है। तो ये दोनों पार्ट हमारे तैयार हो गए। अब बीच वाला पार्ट हमें लेना है, ये लाइनिंग वाले कपड़े पर पहले कट करेंगे। इसकी लंबाई 8 इंच लेंगे और 4 इंच पर मार्क किया। यहाँ से देखिए इस तरह से तिरछा मिलाते हुए निशान किया। अब इसको कट कर लेना है। तो इस तरह कट किया। अब इसे कपड़े पर रखते हुए देखिए, अब मेन वाला फैब्रिक लेंगे, उस पर रखते हुए हमें इस तरह से सिलाई डालनी है। ऊपर और नीचे दोनों तरफ डालेंगे और साइड से दोनों साइड से खुला रहेगा पलटने के लिए। तो इस तरह सिलाइयाँ देखिए डाल दी दोनों तरफ से। अब इसको कट कर लेना है जो एक्स्ट्रा है। उसके बाद यहाँ पर 1-2 कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद इसको इस तरह से पलट लेना है। अब पलट कर सीधा करेंगे, उसके बाद ऊपर से एक सिलाई दोनों किनारों से लगा देंगे। तो हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हमें 3 इंच का चौकोर कपड़ा लेना है और इस तरह की डिजाइनें उससे बनाकर तैयार कर लेनी है। अब देखिए ये डिजाइन इस तरह से लगेगी। थोड़ा सा छोड़ दिया है जो सिलाई में जाएगा, उसके बाद इस तरह से लगाएंगे। खुली वाली साइड हमने अपनी तरफ की है। अब इस वाली साइड की भी सिलाई खुली वाली साइड उसी तरफ करना है। और देखिए एक तरफ 3-3 करके लगेंगी, 3 इस साइड और उस साइड। तो एक साइड से पूरी 6 लगी हैं। अब नीचे भी इतनी ही लगेगी। इसी तरह नीचे वाली साइड से भी लगा लेना है। दोनों साइड से इसी तरह की डिजाइनें लगा लेना है। जितनी ऊपर लगी हैं उतनी नीचे भी लगेंगी। तो ये हमने दोनों साइड से देखिए इस तरह लगा लिया है। इसे लगाने के बाद अब देखिए इस तरह इसको बनाना रहेगा। यहाँ पर देखिए इस तरह इसको बनाते हुए यहाँ पर पकड़ कर सिलाई लगाएंगे, उसके बाद एक मोती लगा देंगे। मोतियों पर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे ताकि निकले ना। इसी तरह दूसरी डिजाइंस बनाएंगे। उसको बनाते हुए उस पर भी मोतियाँ लगानी है। इसी तरह से सभी डिजाइनें बनाते हुए एक एक मोती लगा लेनी है सिलाई लगाने के बाद। अब पूरी डिजाइनें हमें इसी तरह से बनानी है। ये देखिए दोनों तरफ से मेरी जाली बना ली है। अब ली है यहाँ पर गोल्डन डोरी और इस तरह इसको लगाएंगे। तीन लाइन इस पर लगानी है तो बराबर से इस तरह लगा देंगे। तो ये देखिए लगाने के बाद अब ये पार्ट इस तरह से इसको लगाना है। 8 इंच हमने इसकी लंबाई ली थी, 7 इंच रखेंगे। एक एक इंच आधा इंच सिलाई में जाएगा इस साइड, आधा इंच उस साइड। दोनों तरफ से बराबर से मिलाते हुए इस तरह सिलाई लगाना है। दोनों पार्ट इस पर लगा देना है। तो हमने देखिए सिलाई दोनों साइड से लगा ली है। अब इस तरह से ये वाली जो डिजाइंस हमने बनाई है इस पर मोतियाँ लगानी है। इस तरह से लगेगी डिजाइंस के बीच में 2-2 करके मोतियाँ लगा ली है हमने पूरे पर। यह डिजाइंस हमारा तैयार हुआ। अब दोनों प्लेट्स बना देंगे। तो इस तरह आप चौकोर गले पर डिजाइंस बना सकते हैं। डिजाइन अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डिजाइन के साथ। धन्यवाद।